हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड टुडेज टॉपिक इज़ फोबिया और फोबिक एनजाइटी। ठीक है, सो आज हम डील करने वाले हैं फोबिया और फोबिक एनजाइटी को, कि फोबिया क्या होता है। आपने सुना होगा कि फोबिया क्या होता है ना, कोई बोलता है मुझे इस चीज़ का फोबिया है, मुझे कॉकरोच का फोबिया है, हाइट का फोबिया है, ब्लड का फोबिया है। तो आज इन सब चीज़ों को हम मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं ये जानेंगे, और साथ ही जानेंगे ये क्यों होता है और कैसे डायग्नोज किया जाता है इसे, और कैसे हम इसे ट्रीट करते हैं, और किस किस टाइप का फोबिया होता है। सो चलते हैं आगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम एनजाइटी बता होनी चाहिए कि एनजाइटी क्या होती है। ठीक है, तो एनजाइटी क्या होती है कि एनजाइटी इज़ अ स्टेट ऑफ फिनोमिना विच इज़ कैरेक्टराइज बाय अ स्टेट ऑफ अप्रीहेंशन और अनइजीनेस अराइजिंग आउट ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर। नॉर्मल anxiety become pathological when it causes a significant subject distress and impairment of functioning of the individual. So anxiety सभी को होती है, हमें भी होती है, मतलब सबको anxiety होती है कभी ना कभी। लेकिन anxiety क्या होता है कि एक ऐसा स्टेट होता है हमारे हमारे बॉडी का, जिसमें हम रिलैक्स नहीं रह पाते और हमें ऐसा लगता है कि हम डेंजर हमारे लिए है। ठीक है, किसी से हमें डर लगता है तब हमारी एनजाइटी शुरू हो जाती है, घबराहट होना जैसे हम कहते हैं। नॉर्मली सबको होती है, बट नॉर्मल एनजाइटी कब डिजीज़ कंडीशन में कब बदल जाता है ये, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए और जो भी इंसान है उसकी डेली की फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी आने लग जाए, इसकी वजह से वो परेशान होने लग जाए, अपनी डेली एक्टिविटी ना कर पाए, तब एनजाइटी जो है पैथोलॉजिकल हो जाती है। एनजाइटी डिसऑर्डर जो होता है आर एबनॉर्मल स्टेट्स इन विच द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स आर मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एनजाइटी विच आर नॉट कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक ब्रेन टिश्यू डैमेज और एनी अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ठीक है, सो एनजाइटी सभी को होती है, बट ये पैथोलॉजिकल हो जाती है जब ये हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए उसमें। सो फोबिया हम डिस्कस कर रहे थे, तो फोबिया क्या होता है ना। फोबिया इज़ एन अनरीजनेबल फियर। ठीक है, क्या होता है ये, अनरीजनेबल फियर होता है ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर एक्टिविटी से और सिचुएशन से। दिस इरिटेशनल फियर इज़ कैरेक्टराइज बाय वेरियस फीचर्स। बहुत सारे हम इसे कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टांस दैट प्रिसिपिटेट इट, इट कैन नॉट बी डेल्ट विथ रीजनिंग और कंट्रोल थ्रू द विल पावर। ठीक है, द इंडिविजुअल अवॉइड द फियर और ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। तो इंडिविजुअल क्या करता है, उस अपने डर से बचने के लिए उस ऑब्जेक्ट को ही या फिर उस जगह पे जाना बंद कर देगा जहाँ से उसको डर लगता है। सो फोबिया क्या होता है कि फोबिया इज़ अनरीजनेबल फियर। ठीक है, किसी विदाउट रीजन के फियर होना किसी ऐसे चीज़ से जो कि हमारे लिए हानिकारक नहीं है, बट फिर भी हमें उससे डर लगता है और फोबिया डेवलप हो जाता है हमारे अंदर। ठीक है, सो अ फोबिया इज़ एन अनरीजनेबल फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी एक्टिविटी से या फिर किसी सिचुएशन से। सो ये जो इरिटेशनल फियर होता है इसको हम कैरेक्टराइज कैसे हम पहचानते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, कि इट इज़ इनअप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टांसेस, इनअप्रोप्रिएट होता है दैट प्रिसिपिटेटेड, इट कैन नॉट बी डेल्ट बाय रीजनिंग और कंट्रोल थ्रू विल पावर, है ना, इंसान उस पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इंडिविजुअल क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है या उस सिचुएशन को ही अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। सो फोबिक एंजाइटी क्या होती है, इन फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इंटरमिटेंट एंड एंजाइटी विच अराइज इट इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस दैट इज इन रिस्पॉन्स टू द फोबिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। इन फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इंटरमिटेंट एंजाइटी। ठीक है, दिस इज एंजाइटी, इंटरमिटेंट एनजाइटी जो है इंसान को फील होती है। इंटरमिटेंट वर्ड मतलब कि अभी नॉर्मल रहेगा, बट अचानक से जब भी वो इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो फिर से उसको एनजाइटी स्टार्ट होने लग जाएगी। मतलब कॉन्टिन्यूस वो डरता नहीं है, कॉन्टिन्यूस घबराहट नहीं होती उसको, बट जब भी वो उस ऑब्जेक्ट को या सिचुएशन में जाता है जिससे उसको फोबिया है, तभी वो एनजाइटी स्टार्ट होती है, तो वो होती है फोबिक एनजाइटी, है ना, विच अराइज इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। वो तभी अराइज होती है जब वो इंसान उस ऑब्जेक्ट और सिचुएशन के पास जाता है। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में ही। सो एनजाइटी जो फोबिक एनजाइटी है क्या होती है, ऐसी एनजाइटी किसी भी इंडिविजुअल की जो इंटरमिटेंट होती है। ठीक है, इंटरमिटेंट एनजाइटी होती है ये, और ये तभी अराइज होती है जब पर्सन जो है उस ऑब्जेक्ट के नियर आउट जाता है या फिर उस सिचुएशन में जाता है जिससे उसको फोबिया है,
जिससे उसकी एनजाइटी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि ये हमेशा नहीं होती उसको, कभी कभी ही होती है जब भी वो उसके कॉन्टेक्ट में जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लीजिए, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ICD-10 F40.0 में एगोराफोबिया, 40.1 सोशल फोबिया, 40.2 स्पेसिफिक फोबिया, 40.8 अदर फोबिया एनजाइटी डिसऑर्डर, 40.9 फोबिक एनजाइटी डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। ये आपको याद करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये तीन तो पता ही होने चाहिए, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो इसके टाइप्स हैं इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, टाइप्स में भी आए हैं। सो फर्स्ट इज योर सिंपल फोबिया। सिंपल फोबिया क्या होता है? सिंपल आपको पता चल रहा होगा, सिंपल या फिर हम इसको स्पेसिफाइड फोबिया भी बोलते हैं। स्पेसिफाइड, ठीक है, स्पेसिफाइड फोबिया भी बोलते हैं। सो इट इज़ एन इरिटेशनल फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन और स्टिमुलस विद स्टिमुलस। सिंपल फोबिया आर कॉमन इन चाइल्डहुड, बाय अर्ली टीनेज मोस्ट ऑफ दीज फियर्स आर लॉस्ट, बट अ फ्यू परसिस्ट स्टिल अडल्ट लाइफ। समटाइम्स दे मे अपीयर आफ्टर अ सिम्टम फ्री पीरियड एक्सपोजर टू द फोबिक ऑब्जेक्ट वैन ऑफन रिजल्ट इन पैनिक अटैक्स। सो सिंपल फोबिया क्या होता है या फिर स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है? ये एक ऐसा इरिटेशनल फियर है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, किसी भी एक ऑब्जेक्ट से हो सकता है, किसी भी स्टिमुलस मतलब कि हो सकता उससे। तो सिंपल फोबिया बहुत कॉमन होता है, बचपन से सभी को फोबिया होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं, लाइक चूहे से डरना हमें कॉमन है कि बच्चे चूहे को देख के डर जाते हैं या फिर किसी भी चीज़ को देख के डरते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो डर है उनका ख़त्म हो जाता है, उनकी एनजाइटी जो है ख़त्म हो जाती है, फोबिया जो है ख़त्म हो जाता है डर जो है उनका। बट कभी कभी क्या होता है कि ये लॉस्ट नहीं हो पाता, उनका वो डर ख़त्म नहीं हो पाता है, और जब वो बड़े होते हैं तो वो डर परसिस्टेंट रहता है और वो आगे चल के फोबिया में बदल जाता है। सो दिस इज़ योर सिंपल फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया। अब कुछ स्पेसिफिक फोबिया के एग्जांपल देख लीजिए। फर्स्ट इज योर एक्रोफोबिया, जिसको हम बोलते हैं फोबिया फियर ऑफ हाइट, देन एल्गोफोबिया फियर ऑफ पेन, देन ब्रोंटोफोबिया फियर ऑफ थंडर, माइक्रोफोबिया फियर ऑफ जर्म्स, जू फोबिया फियर ऑफ एनिमल्स, इंसेक्टोफोबिया फियर ऑफ इंसेक्ट्स, गैमोफोबिया फियर ऑफ मैरिज, क्लस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ अ क्लोज स्पेस, ठीक है, हेमाटोफोबिया फियर ऑफ अ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक फोबिया, ये आपको याद होना चाहिए, लाइक एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया, ब्रोंटोफोबिया, माइक्रोफोबिया, जू फोबिया, इंसेक्टोफोबिया, गैमोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया एंड हेमाटोफोबिया। इसको आप नोट डाउन कर लेना और इसको याद कर लेना। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिंपल फोबिया। सिंपल फोबिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? इरिटेशनल एंड परसिस्टेंट फियर और ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। तो इरिटेशनल फियर होता है और परसिस्टेंट फियर होता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट से जिससे फियर है उसको वो हमेशा रहेगा, कभी हटेगा नहीं जल्दी से, मतलब दूर नहीं होगा वो ऑब्जेक्ट, जब भी उसके सामने लाएंगे तभी उसको फोबिया स्टार्ट हो जाएगा, तभी उसको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर सिंपल फोबिया के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, इमीडिएट एनजाइटी और ऑन कॉन्टैक्ट विथ फियर्ड ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, ठीक है। इमीडिएट एनजाइटी मतलब जब भी वो उस फियर्ड जो ऑब्जेक्ट है जिससे उसको डर लगता है, जब भी वो उसके पास आएगा तो इमीडिएट से उसकी क्या होगी, एनजाइटी स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहेगा, फेंटिंग और पैनिक डिसऑर्डर्स यानी कि पैनिक रिस्पॉन्स को शो करता है। एनजाइटी होती है जब भी वो उस चीज़ के बारे में इवन थिंक भी करता है तभी भी एनजाइटी स्टार्ट हो जाती है। वरी विद द एंटिसिपेटरी एनजाइटी पॉसिबल, अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग फियर स्टिमुलस। ऐसी कोई भी जगह या फिर ऐसा कोई भी काम होगा जिसमें कि वो स्टिमुलस प्रेजेंट हो सकता है तो वो उस काम को ही करना छोड़ देगा या फिर उस जगह पे ही जाना बंद कर देगा। नेक्स्ट इज सोशल फोबिया। सोशल से आपको पता चल रहा होगा, सोसाइटी से रिलेटेड। सो इट इज़ एन इरिटेशनल फियर, ठीक है, परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल और इंटरेक्टिंग विद अदर्स, ठीक है। ये क्या होता है, इस फोबिया में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो लोगों के सामने जाने से डरता है, उनके सामने कुछ भी काम करने से, परफॉर्मेंस देने से डरता है, क्योंकि पेशेंट को लगता है, जो पर्सन है उसको लगता है कि जो भी उसके एक्शंस होंगे वो कोई और देखेगा और उसको क्रिटिकली मतलब कि जज करेगा और उसको एम्बेरसमेंट होगी और ह्यूमिलेशन फील होगा। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं कि बाहर जाना बंद कर देता है और ऐसी जगह पर जहाँ पर कि पीपल लोग रहते हैं ज़्यादा, लाइक
लाइक स्टेज परफॉर्मेंसेस जो हम करते हैं स्कूल में, वहाँ पर उसको फोबिया होता है तो वहाँ पर नहीं जाएगा वो, ठीक है, लोगों के सामने बातचीत नहीं करेगा, सोशल सोसाइटी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो उसको सोसाइटी का फोबिया होता है, सोशल फोबिया होता है, लोगों से फोबिया होता है। सो दिस इज़ योर सोशल फोबिया। सोशल फोबिया में पर्सन को लगता है कि जो भी उसकी बातें हैं, जो भी उसका एक्शन है, वो दूसरे लोग उसको देखेंगे और उसको जज करेंगे, इसीलिए वो बाहर जाना ही बंद कर देता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं कि हाइपर वेंटिलेशन होता है, मतलब कि जब भी उसको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीदिंग लेना है ना, ब्रीदिंग सांस फूलना, सांस बहुत जल्दी जल्दी लेना इस तरीके से, ब्लशिंग, पालपिटेशन, कन्फ्यूजन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स मतलब कि पेट में जो सिम्टम्स आने लग जाते हैं कई बार, ट्रेम्बलिंग हैंड्स और वॉइस, मतलब जो हमारी वॉइस है वो कप कपाती हुई सी वॉइस होना, हाथ का कांपना, अर्जेंसी, यूरिनरी अर्जेंसी मतलब यूरिन का आना, एंटीसिपेटरी एनजाइटी, मसल टेंशन हो जाती है और फियर ऑफ एम्बेरसमेंट होता है उसको। नेक्स्ट चीज़ योर एगोराफोबिया। एगोराफोबिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय एन इरिटेशनल फियर, इट इज़ इरिटेशनल फियर ऑफ बींग इन प्लेसेस, ठीक है, अवे फ्रॉम द फैमिलियर सेटिंग, एट ऑफ होम, इन क्राउड्स और इन सिचुएशन दैट द पेशेंट कैन नॉट लीव ईजिली। सो इसमें क्या होता है कि पर्सन किसी भी अपने घर को छोड़ करके बाहर नहीं निकलेगा, मतलब अपनी जो उसकी फैमिलियर सिचुएशंस है, फैमिलियर जो सेटिंग है उसको छोड़ करके क्राउड में जाने से डरता है, ठीक है, क्राउड में जाने से वो डरता है, किसी भी क्राउड में नहीं जाता है। सो एज द एगोराफोबिया इंक्रीजेस इन सीवियरिटी, देयर इज़ अ ग्रेजुअल रिस्ट्रिक्शन और इन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़, जैसे जैसे ये फोबिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो अपने डेली की एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाएगा। एक्टिविटी में बिकम सो सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड दैट द पर्सन बिकम इम्प्रिजन एट होम, इतनी ज़्यादा इसमें क्या एक्टिविटीज़ उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि वो अपने आप को इंसान घर में ही बंद कर लेता है। जो भी उसकी फैमिलियर सेटिंग है, अगर वो अपने कमरे में कंफर्टेबल है तो अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, उसको फोबिया हो जाता है बाहर लोगों के बीच में जाने से, अपने फैमिलियर सेटिंग को छोड़ करके, अपनी कंफर्टेबल स्पेस को छोड़ करके वो बाहर जाना ही नहीं जाएगा। सो दिस इज़ एगोराफोबिया, ठीक है। इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे? ओवरराइडिंग फियर ऑफ दी ओपन और पब्लिक स्पेसेस प्राइमरी सिम्टम्स होता है, सिम्टम होते हैं इसके। डीप कंसर्न दैट हेल्प माइट नॉट अवेलेबल इन सच प्लेसेस, अवॉइडेंस ऑफ पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाएगा, एंड कन्फाइनमेंट टू होम व्हेन अकम्पेन्ड बाय पैनिक डिसऑर्डर, फियर दैट हैविंग पैनिक अटैक इन पब्लिक विल लीड टू एम्बेरसमेंट और इनएबिलिटी टू एस्केप। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ योर एगोराफोबिया। सो इसके कॉजेस क्या हैं? कॉजेस के लिए अलग अलग थ्योरी होती है, तो एक साइकोडायनामिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइटी यूजुअली डेल्ट विद द रिप्रेशन व्हेन रिप्रेशन फेल टू फंक्शन एडिक्वेटली, अदर सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ईगो कम इन टू एक्शन, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी एंजाइटी होती है पर्सन को छोटे पर, तो रिप्रेशन जो है आता है और फंक्शन करता है, ठीक है, और जब रिप्रेशन फेल हो जाता है इस फंक्शन करने में, तो उसका जो सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज़ योर ईगो वो आता है और आकर के अपना काम करता है। सो अगर आपने डिफेंस मैकेनिज्म का नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसको जाकर के ज़रूर पढ़ लीजिए, मैं तो बोलूँगी, ठीक है, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइटी जब भी हमें होती है, तो जैसे हम छोटे हैं, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, हम छोटे हैं तो हमें डर लगता है किसी चीज़ से, मान लीजिए, तो हमें जिस चीज़ से डर लगता है हमारा माइंड क्या करता है उसको अनकॉन्शियसली रिप्रेस डाउन करने की कोशिश करता है ना, तो रिप्रेशन होता है। देन जब रिप्रेशन फेल हो जाता है, लाइक हम फिर अगर हमने दोबारा से देखा उसी चीज़ को और हमें फिर से डर लग रहा है, इसका मतलब रिप्रेशन फेल हो गया, तो हमारा जो सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म है ईगो वो आता है। जब ईगो आता है तो हम, यानी कि डेवलप हो चुका है हमारा ईगो, तो जब ईगो आता है तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम उससे डरते नहीं है। बट फोबिया में क्या होता है कि ये जो ईगो है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है और ईगो नहीं आ पाता, इसीलिए सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म के नहीं आने की वजह से फोबिया डेवलप होता है। अब देखिए आगे, इन फोबिया द सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर तो ईगो था, यहाँ पर जो सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो बाय डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो एंजाइटी होती है ट्रांसफर फ्रॉम अ रियली डेंजरस और फ्राइटनिंग ऑब्जेक्ट टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, नेचुरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। दीज टू ऑब्जेक्ट आर कंसर्न बाय सिम्बॉलिकली एसोसिएशन, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चूजन अनकॉन्शियसली इज द वन दैट कैन बी ईजली अवॉइडेड इन डे टू डे एक्टिविटीज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू फ्राइटनिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि हमारा जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म रिप्रेशन आता है, देन रिप्रेशन अगर फेल होता है तो सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म ईगो आता है, जिससे हम अपनी एनजाइटी को डील करते हैं नॉर्मली। बट फोबिया में क्या होता है कि जो हमारा सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म ईगो है वो नहीं रहता, उसकी जगह हमारा डिस्प्लेसमेंट जो मैकेनिज्म है वो आता है। अब जब डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म आता है तो वो क्या करता है कि जो हमारी डेंजरस सिचुएशंस हैं है ना, उसमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको देख करके हमें डर लगता है, वो फियरफुल नहीं होता, उससे हमें कोई हार्म नहीं होगा, बट फिर भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस जो हमें हार्म नहीं पहुंचा रहा बट हमको ऐसा लगेगा कि उसकी वजह से हमें हार्म हो सकता है और हमें फोबिया डेवलप हो जाएगा। तो मेनली आपको यही याद रखना है कि जो हमारा रिप्रेशन होता है, फर्स्ट रिप्रेशन आता है देन ईगो आता है, ये होता है नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल। बट फोबिया में ईगो नहीं आता, इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आता है। सो दिस इज़ अबाउट द साइको डायनामिक थ्योरी। नेक्स्ट इज़ लर्निंग थ्योरी। सो लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग, अगर आपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी में, तो आपको पता होगा कि क्या होता है इसमें कि कंडीशन साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। इसमें क्या होता है कि एक एग्जांपल दिया हुआ है बहुत ही अच्छा बुक में कि एक डॉग होता है तो जब भी उसको खाना देना होता है तो एक बेल को रिंग किया जाता है ना, जब भी बेल को रिंग किया जाता है तो उसको सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है। तो अब डॉग जो है सीख जाता है कि जब भी बेल रिंग होगी तो इसका मतलब उसको खाना मिलेगा, है ना, तो जब भी बेल रिंग होती है वो अपना खाने के लिए आ जाता है, उसको सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्या हुआ, ऐसे करने के देखा गया कि जब भी हम बेल को रिंग कर रहे हैं डॉग को आदत हो गई है, उसका सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, मतलब क्लासिक कंडीशनिंग एक हो गई, कंडीशन हो गई है कि जब बेल रिंग करेंगे तभी उसको खाना मिलेगा और उसको भी पता चल गया कि हाँ तभी मुझे खाना मिलेगा। तो अब क्या होता है कि जब भी बेल को रिंग किया जाता है उसको सलाइवेशन आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद खाना दिया गया उसको, फिर बाद में बेल रिंग किया गया, खाना नहीं दिया गया बट सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि कंडीशन उसके साथ वो अटैच हो चुका था, है ना, तो फिर खाना नहीं दिया गया बट सलाइवेशन स्टार्ट है। बट अगर आप इसको, इसी को हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें आपकी एक आगे अगर आपने पढ़ा होगा तो आगे एक और चीज़ दी हुई है कि अगर आप कंटिन्यूस इसी चीज़ को करेंगे, बार बार बेल को रिंग करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में बदल जाएगा और उसको सलाइवेशन बंद भी हो जाएगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के हिसाब से ये बोला गया कि जब भी हम एक हार्मलेस ऑब्जेक्ट को किसी के साथ पेयर आउट कर देते हैं तो वो भी फोबिया स्टार्ट कर देता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अ स्ट्रेसफुल स्टिमुलस प्रोड्यूसेस एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स फियर, ठीक है, जब स्ट्रेसफुल जो स्टिमुलस है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स ऑफ फियर को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब स्ट्रेसफुल स्टिमुलस को हम रिपीटेडली पेयर्ड करें हार्मलेस ऑब्जेक्ट के साथ, इवेंचुअली द हार्मलेस ऑब्जेक्ट अलोन कैन प्रोड्यूस फियर विच इज़ नाउ अ कंडीशन रिस्पॉन्स। तो वेन द पर्सन अवॉइड द हार्मलेस ऑब्जेक्ट टू अवॉइड द फियर बिकम फोबिया, है ना। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या होगा कि एक जब देखिए फियर कब स्टार्ट होता है, जब हम किसी ऐसे स्ट्रेसफुल स्टिमुलस में जाते हैं, है ना, अंधेरे में हम जाते हैं तो हमें क्या होता है, डर लगता है, मान लीजिए तो हमें डर लगता है, जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें फियर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर हम हाइट पर जाते हैं, हाइट से भी किसी किसी को फोबिया होता है तो हाइट से उनको डर लगता है। तो जब भी आप इस स्ट्रेसफुल इवेंट जो सिचुएशन है स्टिमुलस है उसको पेयर्ड कर देंगे किसी हार्मलेस ऑब्जेक्ट के साथ, है ना, हार्मलेस ऑब्जेक्ट के साथ भी पेयर्ड कर देंगे तो उसको उस हार्मलेस ऑब्जेक्ट से भी डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको उस हार्मलेस ऑब्जेक्ट से भी डर लगना स्टार्ट हो जाता है, यही होता है फोबिया। कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी क्या होती है, एनजाइटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉल्टी कॉग्निशंस और ठीक है, और एनजाइटी यूजिंग सेल्फ इंस्ट्रक्शंस। कॉग्निटिव थ्योरिस्ट बिलीव दैट, कॉग्निटिव थ्योरिस्ट क्या बिलीव करते हैं, दैट सम इंडिविजुअल एंगेज इन नेगेटिव एंड इरिटेशनल थिंकिंग दैट प्रोड्यूस एनजाइटी रिएक्शन, कि कुछ लोग क्या है कि नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं जिसकी वजह से उनको एनजाइटी प्रोड्यूस होती है। द इंडिविजुअल बिगिन टू सीक आउट अवॉइडेंस बिहेवियर टू प्रिवेंट द एनजाइटी रिस्ट्रिक्शन एंड रिजल्ट फोबिया। तो इंडिविजुअल क्या करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो उनको उस चीज़ से डर लगना ही स्टार्ट हो जाता है, बार बार सोचते हैं उसके बारे में। तो जब क्या होता है कि जब इंडिविजुअल उस चीज़ को फिर अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा, है ना, जब उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा बार बार तो उसको उस चीज़ से फोबिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। लाइक कोई इंसान सोचता है कि मुझे तो जो मच्छर है, मान इंसेक्टोफोबिया है ना आपका, एक तो इंसेक्टोफोबिया में किसी इंसेक्ट से उसको डर लगता है, बार बार डर लगता है, तो डर लग रहा है तो उसको एनजाइटी हो रही है। अब वो उस डर से बचने के लिए क्या करेगा, इंसेक्ट को अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा, लाइक
किसी भी इंसेक्ट के पास आए उसके पास आएगा तो उसके वहाँ से उठ के चला जाएगा, या फिर अपने रूम में स्प्रे करके रखेगा हर टाइम कि कोई भी इंसेक्ट एक भी अंदर ना आ जाए। तो इस तरीके से वो अपने आप को उससे प्रिवेंट करना स्टार्ट कर देगा और इसलिए इसको फोबिया डेवलप हो जाएगा। डायग्नोसिस करते कैसे करेंगे? नो स्पेसिफिक डायग्नोसिस डायग्नोसिस टेस्ट इज कन्फाइन। हिस्ट्री लेते हैं हम उसकी एनजाइटी की, जब एक्सपोज और एंटिसिपेशन स्पेसिफिक एनजाइटी और सिचुएशन, तो उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा। ट्रीटमेंट में हम उसको क्या देंगे? फार्मेको थेरेपी देंगे, बेंजोडाइजीपाइंस देंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, देन हम उसको बिहेवियर थेरेपी देंगे, डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी देंगे, साइकोथेरेपी में देंगे हम उसको सपोर्टिव साइकोथेरेपी देंगे, ठीक है, और उसको हम बिहेवियर थेरेपी एंड ड्रग ट्रीटमेंट उसके साथ हम देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फोबिया एंड फोबिक एनजाइटी। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन सा पढ़ना है। थैंक यू।